शंघाई में फिर से लॉकडाउन हो रहा है? क्रेजी। ओह माय गॉड। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लॉकडाउन के लिए हमने इस बार कैसे प्रिपरेशन किया। आई एम सो सैड। ये मैं क्या सुन रही हूँ, इतने दिन लॉकडाउन के बाद फिर से? 2 महीने का लॉकडाउन इज नॉट इनफ, फिर से होगा? Guys, hope you are all doing well, safe and healthy. आज सुबह से हम कितने खुश थे. Actually, this week we are totally relaxed because after 2 months I काम कर रही है और बहुत सारे काम जो होता है ना पेंडिंग रहता है जो मैं कर नहीं पा रही थी, तो कुछ अगर घर के काम कोई संभालते हैं तो बहुत हेल्प हो जाता है. या क्या करे, कुछ केसेस आ गया पॉजिटिव तो वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग विद इन टुमारो. मे बी दिस वीकेंड वी हैव अ लॉकडाउन. So disgusting. We don't want and we wish everything gets normal. Better हम कुछ prepare करके रखें, last time की तरह ना हो. पर पता नहीं how long it will extend है. जाती हूँ supermarket में कुछ खरीदने के लिए चीज़ें. हमारे साथ रहिएगा, कहीं पे भी मत जाइएगा. Catch you later. Hello. हम तो हो गए ready. अभी हम दोनों थोड़ा pose ले लेते हैं. अभी मेरे husband वापस आए office से तो हम एक साथ ही चलते हैं supermarket में. जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग अभी स्कैन कर रहे हैं. ग्रीन कोड स्कैन करने के बिना हम सुपरमार्केट में नहीं जा पाएंगे. एक्चुअली आज सुबह जब मैनेजमेंट से नोटिस आया था वीकेंड में पर्सनली लॉकडाउन हो सकता है, तो तभी बहुत सारे लोग सुपरमार्केट में आ गए थे, तो हम थोड़ा लेट हो गए. कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं. तो देखिए कितना भीड़ है अभी यहाँ पे. फ्रूट्स यहाँ पे बढ़िया मिलता है और इट रियली फ्रेश एंड स्वीट, सो टेस्टी. और लॉकडाउन के टाइम में हमने इतना सारा फ्रूट्स लिया था क्योंकि ग्रुप बाइंग में हमेशा बहुत सारे लोग फ्रूट्स खरीदते हैं और ओवर बाई हो जाता था. तो देखिए मैंने यहाँ पे पपाया ले लिया, एप्पल और थोड़ा बनानास भी ले लिया. और देखिए वेजिटेबल्स अभी भी है, पर मॉर्निंग में आते तो ज़्यादा और फ्रेश मिलता था. पर कोई नहीं, हम लोग थोड़ा स्टॉक कर लेते हैं. और बहुत बढ़िया अदरक मिल रहा है और जो है 7.98 RMB पर 500 ग्राम. लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था. एक तो हमने डबल पैसा देकर सब कुछ खरीदते थे और दूसरा बहुत ज़्यादा लेना पड़ता था क्योंकि एक ही ऑप्शन था ग्रुप बाई कम्युनिटी के. सो सारे जो मेंबर्स हैं और उसके साथ हमें मिलजुल के लेना पड़ता था जो अवेलेबल होता था. तो यहाँ पे वैराइटीज ऑफ पम्पकिन दिख रहा है और मैं यहाँ पे कुछ टमाटोज ले लेती हूँ क्योंकि मुझे करी में टमाटोज डालना पसंद है. और इस सेक्शन में है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश ऑयल, दिस दैट वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. और कुछ फ्रोजन सेक्शन में मुझे कुछ डम्पलिंग्स वगैरह भी दिख रहा है, चिकन्स वगैरह. और रेडीमेड सेक्शंस में मुझे थोड़ा पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह वो सब लेना है क्योंकि वो ही ईजी होता है लॉकडाउन के टाइम में. और ये है हाउस होल्ड सेक्शन जहाँ से मुझे डिस्पोजेबल पेपर प्लेट, स्पूंस ये सब लेना था जस्ट टू अवॉइड क्लीनिंग एवरी टाइम इफ़ लॉकडाउन हैपन्स. और यहाँ पे क्लीनिंग मटेरियल्स, ग्लव्स वगैरह बहुत कुछ है जो मुझे चाहिए. चलो अब इसको भी मिल गया, इसके फेवरेट चीज़ है, तो हमने भी बहुत सारे चीज़ ले लिया. नेक्स्ट बिलिंग. तो बिलिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से ही होता है और अभी तो जो सिचुएशंस है अभी तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और लोग प्रॉपरली मास्क शील्ड पहन के ही सब कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे. ये सुपरमार्केट भी हमारे बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज दिस इज़ जस्ट अटैच टू आवर कंपाउंड. और यहाँ पे हम वीचैट में स्कैन किए और हो गया बिलिंग. ये सुपरमार्केट हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था पूरा लॉकडाउन के पीरियड में क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा. छोटा है पर सब कुछ ही अवेलेबल है. और बड़ा जो सुपरमार्केट्स होता है ना इतना बड़ा होता है, कैरेफोर वॉलमार्ट घूम घूम के परेशान हो जाते हैं. वी आर डन. सो अभी जा रहे हैं हम वापस घर पे. और वाओ, हमारा इंडियन स्टोर से चावल भी आ गया. और ये भी मैं दिखाना चाहती थी, हम यहाँ पे बासमती राइस लेते हैं. और यहाँ पे हमारा मैंगोज़ भी आ गया, हमने लास्ट वीक ऑर्डर देके रखा था. हमने हमारा लॉकडाउन के लिए सब कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा है. खाना चाहती हूँ कि आज हमने क्या क्या लेकर आए थे. और ये देखिए फ्रूट्स, बिस्किट्स, ऑयल, वेजिटेबल्स, सैलड ड्रेसिंग, रेडीमेड फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, टमाटो केचप, क्या नहीं है इसमें.
स्नैक्स बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, चिप्स, कुकीज, क्रैकर्स, ये हमने ऑर्गेनाइज करके ही रखा था, और बच्चे के लिए दूध, एग्स, ये भी इनफ है हमारे पास। पहले से थोड़ा बहुत ऑयल भी था हमारे पास, ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो रेड लेबल टी, बासमती चावल, ये सब हम इंडियन स्टोर से लेते हैं, ऑनलाइन पे मंगवाते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी इज़ रियली कन्वीनियंट। ऑनलाइन पे हम शंघाई का, ग्वांगजो का या हांगकांग का इंडियन स्टोर से भी इंडियन चीज़ें मंगवा लेते हैं। और मेरे फ्रीज तो पूरा पैक्ड अप है, कितने सारे कॉन्डेंस मिल्क, कितने सारे चीज़, बटर्स, केक्स, रेडीमेड सूप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो है ही, योगर्ट, ड्रिंक्स, क्या नहीं है इसमें भी। यहाँ पे मैंने बहुत सारा बटर स्टोर करके रखी हूँ बच्चे के लिए, चॉकलेट, सिरप्स, चीज़, चीज़ केक। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले से ऑर्डर करके रखा था, पर एक महीना बाद वो डिलीवर हुआ हमारे घर पे, क्योंकि लॉकडाउन था और ऑनलाइन डिलीवरी पूरा स्टॉप था। और आज डिनर के लिए हमने इंडियन रेस्टोरेंट से थोड़ा खाना मंगवाया था, अब ये भी आ गया, पनीर, चिकन, दाल, समोसा वगैरह। सो वी आर एंजॉयिंग डिनर नाउ। तो गाइस, ये है हमारा मैसिव प्रिपरेशंस फॉर सेकेंड टाइम लॉकडाउन, बिकॉज हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हालत हो कि हमें मुश्किल में पड़ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में हम प्रिपेयर नहीं थे। लॉकडाउन एक्सटेंड होते होते 2 महीने के ऊपर हो गया था। बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे कि इंडियन स्टोर से चावल, घी वगैरह, टी, इंडियन टी, ये सब हमारे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं था, तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल में पड़े थे हम। उस वक्त हम हमारे नेबर और कम्युनिटी मेंबर से बहुत हमें हेल्प मिला था। But now we are almost prepared. So let's see what is happening on this weekend. I will come back to you with updated news as usual. देखते रहिए मेरे चैनल और please subscribe my channel and press the bell icon so that every time you will get notification. Comment करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा video और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।